मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। इस स्टेज पे मेरे पहुंचने के लिए एक ही आदमी है, वो नितिन मदने और नीलेश शिंदे। उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया है मेरे को। आज मैं हूँ उनके वजह से इधर खेल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। मैं 98 से चालू किया इधर कबड्डी। मेरे भाई खेलते थे बड़े, और मेरे पिताजी कुश्ती पहलवान थे, उनके वजह से मैं खेल रहा हूँ अभी कबड्डी। मेरा गुरु मेरे लिए खाली माँ और मेरे पिताजी है। मेरे को ऐसा किसी ने सिखाया नहीं अभी कबड्डी कैसा खेलना है, कुछ नहीं। मेरे पैर में शूज भी नहीं थे पहले, खाली मेरे को ऐसा किसी ने सीखा नहीं। मैं खाली अकेले ऐसा ही मैच देख के, किधर टीवी देख के ऐसे ही सीखा हूँ। मेरा डिफिकल्ट तो बहुत ही है। मेरा बैकग्राउंड इतना बुरा है कि मेरा अभी तक मैं प्रो में इतना एक ही आदमी हूँ जो अभी तक नेशनल नहीं खेला है। मैं अभी तक एक ही नेशनल खेला हूँ, सब जूनियर जूनियर सीनियर नेशनल अभी तक नहीं खेला हूँ। डायरेक्ट प्रो कबड्डी खेल रहा हूँ। खाली प्रो में अकेला आदमी हूँ कि जो नेशनल नहीं खेला है, और वो चांस मुझे नीलेश शिंदे ने मुझे बहुत ही दिया है। और मैंने पहले मैं हाउस कीपिंग करता था, कबड्डी को खेलने को टाइम नहीं था। मेरे को आदत खाली जिम की है, मैं 12 महीने जिम भी करता हूँ। खाली इतना ही मैं रनिंग ज़्यादा, सुबह उठने का जल्दी 5 बजे, शाम को जिम, इतना ही मेरा शेड्यूल था। मैं महाराष्ट्र पुलिस मुंबई पुलिस से खेलता था कबड्डी पहले, और तब मैं नीलेश शिंदे BPCL से खेलते थे। मैं उस टाइम उनके साथ बहुत ही टफ में ऐसा खेलता था कि वो ऋषांग काशीनाथ बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, अनु कुमार आता था इंडिया से, बहुत प्लेयर आते थे, दिनेश कुमार, उनको मैं इतना टैकल जोर से करता था, मुझे मालूम नहीं था ये बड़े लोग प्लेयर है। मैं अभी तक किसी को भी अभी बड़ा प्लेयर नहीं समझता, खाली खुद को ही बड़ा प्लेयर समझता हूँ, सामने वाले कोई रहने दे। मैं उतना एक ऐसा खेलता हूँ कि मेरे को मालूम नहीं कि मैं क्या खेल रहा हूँ, खाली मुझे खेलना ही है, इतना ही मुझे मालूम है। पहले मेरे को डाइट का मालूम ही नहीं था, खाली घर में राइस खाने का, चपाती खाने का इतना ही मालूम था। अभी मेरा टाइम ही इतना हो गया कि 5 बजे उठ के मेरे को रनिंग करने का, बाद में मेरा अंडी वो जो नॉनवेज रहता है वो पूरा, उसके बाद रेस्ट करने का। मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता है, मैं पहली बार उसकी वजह से मैं बहुत ही आगे बढ़ा हूँ। अभी सब स्पोर्ट में मोबाइल वोबाइल रात तक जगते हैं, मैं रात तक जगता ही नहीं। मेरा शेड्यूल यही कि मैं आराम जितना करूँ उतना मैं अप हो जाता हूँ। मेरे पिताजी गुजर गए थे, घर में कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, राइस भी नहीं था, खाली वड़ा पाव ही खाता था। पहले कॉइन बॉक्स सही रहता था, कॉइन भी घर में नहीं था, ढूंढ के उधर कॉइन करने के लिए उधर ड्रॉ में गांव में थे। तब मेरे भाई ने मेरा झगड़ा हो गया, भाई का और मेरा, बड़े भाई थे उससे मेरा झगड़ा हुआ। उससे मैं गुस्सा होकर मैं ICICI बैंक में वो हाउस कीपिंग करता था, 6 महीना वैसे ही किया। करते करते मेरे बहन ने मेरे को देखा कि वो हाउस में मेरा मैं से के अंडर मेरे को बुलाया उधर, और उधर में कमला मिल के इधर में जॉब में लगा उधर। हाँ, उस टाइम मेरा सुबह 8 बजे से शाम तक 6 बजे तक मेरा जॉब था। तब मैं सुबह 5 बजे उठ के मैं अपना फिटनेस करता था, बाद में जॉब में आने के बाद मैं फिर से जिम करता था। ऐसे में मुझे ऐसी आदत हो गई कि मेरे को मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कि मेरे को कुछ सिखाया भी नहीं अभी तक किसी ने। मेरे पास मेरे प्लेस में मेरा राय स्वप्निल है, तुषार है, बहुत प्लेयर है नए, उनको मैं हर टाइम बोलता हूँ कि जिम करो, स्विमिंग जाओ, खाली उतना जितना मोबाइल यूज़ नहीं करने का उतना मत यूज़ करो, इतना बताता हूँ। पूरे हमारे मेरे प्लेस में सब प्लेस में सब 3-3 प्लेयर है, कवर में है, रेडिंग में है, सभी जगह है। किसी को इंजर होगा उस जगह खेलने वाला सब है। हमारा सबका यही टारगेट है कि हमको इस टीम को चैम्पियनशिप बनाने का है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे को अभी मुंबई पुलिस ने बहुत मुझे साथ दिया है। छुट्टी का प्रॉब्लम रहता था मुझे, तो मेरे को मेरे मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस के मेरे अधिकारी लोग हैं, उन्होंने बहुत ही मुझे हेल्प किया है।